गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारी पहली हॉस्पिटल क्लास है फर्स्ट एड एंड पेशेंट केयर की। तो आज भी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि पहली बार हॉस्पिटल में जा रहे हैं। जैसे एनाटॉमी की क्लास में बहुत एक्साइटेड थे, ऐसे ही आज भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हॉस्पिटल क्लास के लिए। और सोन भाई तो मेरे से भी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहे हैं। भाई मैं तो एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, मज़ा आएगा। और आज अच्छी बात ये है कि जो जो हम वैसे हमें जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी 1 घंटा ट्रैवल करके बस में, लेकिन आज हमारी हॉस्पिटल हॉस्पिटल की क्लास है और हॉस्पिटल बगल में ही है, ऐसी 500-600 मीटर की दूरी पे है यहीं से ही हमारे हॉस्टल के पास में। तो जब भी हॉस्पिटल की क्लास लगेगी हमें सुकून मिलेगा। है सोनू भाई, कैसा लग रहा है? आज बच्चे आएंगे हॉस्टल वन वाले हमारे यहाँ पे रैफिना में, तो उन्हें भी पता चलेगा कि हम कितना दुख दर्द और पीड़ा के साथ यूनिवर्सिटी आते हैं। उधर भाई लाला इधर अच्छा इधर, अच्छा इधर है भाई, इधर जाना है हमें, मतलब वहाँ जाना है जहाँ हम 74 बस पकड़ने जाते हैं, उससे भी पीछे। मतलब इतना तो हम बस पकड़ने के लिए चल लेते हैं, उससे भी कम चलना पड़ेगा हमें हॉस्पिटल जाने के लिए, तो ये एक फ़ायदा हो गया। तो हॉस्पिटल में मिलते हैं अभी। तो भाई यार कुछ बोलो यार, पढ़ते रहिए, ऐश करिए, पढ़ते रहिए, ऐश करिए। जाते रहे। तो भाई उत्कर्ष भाई मुझे रास्ता बता रहे हैं, पार्क तो मैंने पार कर लिया है, सामने जाना है। अरे कौन सा आयन में से ये 3 बिल्डिंग दिख रही हैं? देखा हॉस्पिटल क्या? हॉस्पिटल कौन सा आयन में से 3-4 बिल्डिंग है ये? ये है क्या? ये है क्या? ये सीधा। तो भाई ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारी क्लास लगेगी, और इधर ये भी हॉस्पिटल्स हैं। तो यही बताया है हमें, इसी के अंदर जाके देखते हैं, पता चलेगा। बच्चे पहले से पहुँच गए हैं, अभी टीचर नहीं आई है, लेकिन ये अच्छी बात है। 8:45 पे क्लास थी, अभी टाइम हो रहा है 9:05 का। मैं अभी मतलब 10 मिनट लेट हैं हम, लेकिन अभी टीचर नहीं आई है, तो ये अच्छी बात है। मतलब एक बार आके चली गई है, लेकिन उत्कर्ष ने बोल दिया कि बच्चे अभी आ रहे हैं, तो मैम दोबारा क्लास से चली गई। तो भाई ये हॉस्पिटल है, अभी क्लास नहीं मिल रही हमें, पता ना कहाँ पे है। लेकिन सोनू भाई अभी गुस्से में है क्योंकि क्लास नहीं मिल रही। बेसमेंट किधर है? बेसमेंट में क्लास है, कोई देख रहे यहाँ पे पेशेंट वगैरह जा रहे थे। ये बताइए हमें क्लास किधर है हमारी। लिफ्ट से जाएंगे बेसमेंट में, भी लिफ्ट से जाना पड़ेगा। बताया कि हम बेसमेंट में जाना है बिना बताए हुए। Либо там открыт подвал? Нет? Открыто все там. Вон, пусть вот будет, дверь, да. Сам дверь открыть идет. Покажите им. Да, а то они тут все сидят. Идем. चलिए उससे नहीं, पैदल ही जाना पड़ेगा भाई, औकात पे आ गए अपनी। वही तो यार, हमको क्या मालूम भाई। अबे ये तो मूवी वाला सीन हो गया भाई। मतलब बड़े जब हो जाएंगे हम तो अपना स्ट्रगल बताया करेंगे कि ऐसी गुफाओं में क्लास लेने जाया करते थे हम। भाई ये सिस्टम तो बड़ा पुराना लग रहा है मुझे। ये देखो यहाँ पे हमें अपनी जैकेट उतारनी है। भाई ये तो सब गुफाएं हैं, अंदर से एक एक ना एक खुफिया। जल्दी से यहाँ हमें जैकेट उतारनी होती है। तो भाई अभी भी ये गुफा में क्लास ढूंढ रहे हैं। अब बताया उन्होंने
कि नीचे तो हमें बस जैकेट उतारने के लिए आना था बेसमेंट में। क्लास हमारी थर्ड फ्लोर पे है। अच्छा ये यही है ये स्टेयर्स ना। बेसमेंट में खो जाएगी। थर्ड फ्लोर भाई ये थर्ड फ्लोर है सेकंड फ्लोर है सेकंड फ्लोर है काट दूंगा। अच्छा ये है थर्ड फ्लोर मिल गया। अच्छा ये डोर इसमें अच्छा हाँ राइट में राइट राइट इधर है। अबे राइट क्या होता है राइट ये है ना राइट। कहाँ लेके जा रहे हैं अब यार। यहाँ रशियन बच्चों की क्लास चल रही है। तो भाई हमारी क्लास ख़त्म हो गई फर्स्ट एड एंड पेशेंट करके जैकेट वैकेट ले लिए फिलहाल जा रहे हैं। दिस इज़ अमल पांडे दिस इज़ अद्वैत भाई हमारे बहुत अच्छे हैं। इसे सब जैकेट कलेक्ट कर रहे हैं इधर से। ये ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र के अंदर सबमरीन होती है बड़ी वाली तो उस टाइप का कुछ लग रहा है। क्लास खत्म हो गई 11:30 बज रहे हैं जाएंगे हॉस्टल में जाके सो जाएंगे। जा रहे हैं भाई और क्लास की वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन मैं पोस्ट नहीं करूँगा क्योंकि हमारी टीचर जो है उन्होंने मना करा कि क्लास की वीडियोस वगैरह मत डालो मतलब रिकॉर्ड मत करो और फोटो वगैरह क्लिक मत करो तो वो मैं नहीं पोस्ट कर सकता तो वो मैं डिलीट कर दूँगा। ये था हॉस्पिटल बहुत बड़ा है भाई। और इधर कई सारे हॉस्पिटल हैं और भी हैं भाई। जितने भी बच्चे हैं इनके हॉस्टल्स यूनिवर्सिटी से बहुत पास हैं तो ये आराम से जाते थे क्लास। आज पहली बार ये रैपिन आए हैं जहां हम रहते हैं 14-15 किलोमीटर दूर। अब ये दोबारा जाएंगे यूनिवर्सिटी ट्रैवल करके 1.5 घंटा बस में ढक्के खाते हुए तो इनको पता चलेगा हमारा दुख। फिलहाल हम तो पैदल पैदल निकल जाएंगे अपने हॉस्टल क्योंकि हमारा हॉस्टल है यहाँ से मतलब 800 या 900 मीटर की दूरी पे बस तो हम तो निकल जाएंगे तो आराम से हॉस्टल जाके मैं तो सो जाऊँगा भाई। तो भाई हॉस्टल तो मैं अपने आ गया। ये रहा मेरा हॉस्टल और ये रहा नितेश ये भी शाहरुख खान बनने की ट्राई कर रहा है। और इसी के साथ नितेश हमारा व्लॉग एंड करेगा। मैं जा रहा हूँ क्लास किसकी एक्टोलॉजी की जो हमारी कितने बजे क्लास है 1 बजे तो नितेश की 1 बजे क्लास है। मैं तो फ्री हो गया अब जाकर हॉस्टल में सो जाऊँगा। सोऊंगा नहीं पहले कुछ बनाऊँगा खाने के लिए ओट्स बनाऊँगा सुबह ओट्स बना के खा के सो जाऊँगा फिर रात को खाना बनाऊँगा। इसी के साथ ये वाला व्लॉग अपना एंड करता हूँ। बाय बाय।